एक अभियुक्त हैं संजय सिंह, अवैध शराब का धंधा चलाते थे। उस धंधा से जो अर्जित आय था उससे आपराधिक गतिविधियों में उसका इन्वेस्टमेंट कुछ होता था, और जैसे शंकर रवानी हत्याकांड में जो अपराधी लोग आए थे उनके रहने खाने इन सब चीज़ों का प्रबंध उन्हीं सब के द्वारा अर्जित आय से किया गया था। शंकर रवानी हत्याकांड में एक और खुलासा, शराब के अवैध कारोबारी ने हत्यारों को दी थी पनाह। शंकर रवानी हत्याकांड के शूटर बीरेंद्र प्रसाद के निशानदेही पर पुलिस ने नगर के हनुमान नगर स्थित शराब कारोबारी के गोदाम पर छापेमारी कर 4 पेटी अवैध शराब के साथ एक फॉर्च्यूनर कार, एक महिंद्रा कंपनी की थार गाड़ी सहित आर्टिगा कार की बरामदगी की है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी DSP आलोक रंजन ने बताया कि शराब के अवैध कारोबारी संजय सिंह ही अवैध शराब का कारोबार का सरगना है, जो शराब के अवैध कारोबार से अकूत संपत्ति इकट्ठा कर लिया है। जब्त गाड़ियों के माध्यम से ही शराब की तस्करी की जाती थी, यही शराब सरगना शंकर रवानी के हत्यारों को रहने खाने सहित अन्य खर्च उठाता था। पुलिस गहनता से मामले की जांच में जुटी है, साथ ही पुलिस गिरफ्त से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। जल्द ही सभी पुलिस गिरफ्त में होंगे। एक अभियुक्त हैं संजय सिंह, उनके आवासीय परिसर से वो एक अवैध शराब का धंधा चलाते थे। उस धंधा से जो अर्जित आय था उससे आपराधिक गतिविधियों में उसका इन्वेस्टमेंट कुछ होता था, और जैसे शंकर रवानी हत्याकांड में जो अपराधी लोग आए थे उनके रहने खाने इन सब चीज़ों का प्रबंध उन्हीं सब के द्वारा अर्जित आय से किया गया था। जो रिमांड पे अभी हम लोग लिए थे उनके द्वारा भी निशानदेही पे हम लोगों ने इस गाड़ी को, जो अभी गाड़ी थी थार फॉर्च्यूनर और अर्टिगा गाड़ी है, इसको रिकवर किए हैं। इसमें से 4 पेटी शराब भी रिकवर हुई है। इन गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था परिवहन में शराब का, विभिन्न राज्यों में जिलों में इसका अवैध शराब का परिवहन किया जाता था। चूँकि सारे लग्जरी गाड़ी हैं तो बहुत लोगों को शक भी नहीं होता था कि इन गाड़ी से इस प्रकार का परिवहन होता था। ये इससे स्पॉट का भी काम किया जाता था, जैसे शराब जा रहा है किसी गाड़ी से तो इन गाड़ियों से स्पॉट करना इन सब चीज़ों गतिविधि में, और इन अवैध शराब से जो भी अर्जित आय होता है इनसे कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों को उनको संरक्षण देना। जैसे अभी जो कांड हुआ है शंकर रवानी उसके भी जो रहने खाने सबका सारा चीज़ का प्रबंध जो था इन्हीं सब द्वारा अर्जित आय से ही उनको फाइनेंस कराया गया था और रहने उने का खाने का व्यवस्था करवाया गया। शराब का निर्माण कहाँ से करता था ये चीज़ अभी और हम लोग अनुसंधान में भी देखेंगे क्या है। जितने भी शराब हैं वो अवैध हैं और इसमें हम लोग और इसमें अनुसंधान कर रहे हैं कि ये शराब कहाँ से मंगाया जाता था। यहाँ झारखंड का ही है कि बंगाल या कहीं, हाँ हरियाणा का कुछ हर में अलग अलग एक सेलिन हरियाणा इस तरीके से लिख करके लिखा हुआ उसमें। कहाँ खपाते थे सर इनको? जैसे बिहार में एक इसका सप्लाई था, अन्य जिलों में भी था, जैसे गिरिडीह भी भेजा जाता था, रांची भेजा जाता था, ग्रामीण इलाकों में सस्ती शराब दरों पर अपना बेच सर। लग्जरी गाड़ियों में जो विदेशी हथियार हो रहा है चले, ये गाड़ी में हथियार का ऐसा नहीं था, पर जिस प्रीमाइसेस से पकड़ाया हथियार वो संजय सिंह का ही प्रीमाइसेस था, और पूर्व में भी वहाँ से 65 पेटी पकड़ाया था, उसी जगह से हम लोगों को हथियार भी रिकवर हुआ था इसमें, और वो प्रीमाइसेस भी था संजय सिंह के द्वारा ही भाड़े पे लिया गया था, वहाँ पे भी अवैध शराब का भंडारण किया गया था। पुलिस लाइन के पास इसकी कोई दुकान है? इसकी दुकान है एक, वो पुलिस लाइन के पास ही भोजपुर स्टोर करके दुकान है, किराने की दुकान है। इससे पूर्व में तो अभी ये हम लोग और इस खोजबीन कर रहे हैं कि इस पर पूर्व में कितना आपराधिक इतिहास है इनके ऊपर।